दोस्तों, गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास केवल ज्यादा पैसा हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि 90% जो बिजनेस की शुरुआत करते हैं वो कुछ महीनों में ही फेल हो जाते हैं। एक डेटा के अनुसार इस साल लगभग 1,67,076 नए स्टार्टअप शुरू हुए और ये संख्या पिछले साल से 7.5% से ज्यादा की थी, लेकिन जितनी तेजी से स्टार्टअप शुरू हुए उतनी ही तेजी से ये फेल भी हो गए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ना ही प्लान था और ना ही सही जगह। जगह का मतलब है कि एक बिजनेस को वहाँ शुरू करें जहाँ उसकी डिमांड हो। एग्जांपल के लिए, अगर आपके गांव में पहले से ही सब्जी की दुकान है और आप भी उसी गांव में सब्जी की दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको या तो थोड़े सस्ते दामों में सब्जियों को बेचना होगा या फिर कुछ यूनिक करना होगा, नहीं तो आपका भी धंधा बंद हो सकता है। तो ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसे अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें हम अच्छे पैसे भी कमा पाएं और साथ ही उसमें मंदी भी ना आए? तो चलिए बारी बारी से एक एक बिजनेस को समझाता हूँ। नंबर 10, CSC सेंटर। दोस्तों, आप माने या ना माने, लोग CSC सेंटर से बढ़िया पैसा आज के समय में कमा रहे हैं, क्योंकि एक पैन कार्ड बनाने में 107 रुपए का खर्च आता है और वही पैन कार्ड दुकानदार 200 रुपए या 250 रुपए में बनाता है। ऐसे ही आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या फिर कोई भी कार्ड या फॉर्म स्कीम हो, इसे आप कुछ मिनटों में ही भर कर अच्छा पैसा अपने गांव से कमा सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग CSC सेंटर खोलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी ना होने के कारण वे निराश हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जिस पर टैप करके कुछ मिनटों में ही CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़े आसानी से आप CSC सेंटर गांव में खोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में दिल खोल कर पूछिएगा। नंबर 9, कोल्ड स्टोरेज। दोस्तों, गांव में सब्जियां इतनी ज्यादा उगाई जाती हैं कि अगर आप उन्हें सही समय पर नहीं बेचते हैं तो या तो फेंकी जाएंगी या फिर सड़ेंगी, और इसलिए किसान भाई लोग सड़ने और फेंकने की डर की वजह से उसे बहुत ही कम दामों में बेचकर खाली हो जाते हैं। और इसलिए अगर आप कोल्ड स्टोरेज अपने गांव में खोल देते हैं तो आप ही नहीं बल्कि पूरा गांव आपके यहां सब्जियों को रखेगा या स्टोर करेगा, जिसकी वजह से आप उनसे बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर कमा सकते हैं। नंबर 8, सैलून शॉप। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप सैलून खोलकर बिना काम किए महीने का 30,000 से 40,000 रुपए तक कमा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? मस्त प्लान है। जी हाँ दोस्तों, हमारे गांव में राहुल नाम का एक लड़का, जिसे बाल काटना नहीं आता था, तो उसने क्या किया कि दो लड़कों को खोजा जिसे बाल काटना आता था, उन लड़कों को शॉप पर रखा और उन लड़कों से बोला कि जितने लोग बाल कटाने आएंगे उनके नाम और पैसे इस डायरी पर लिखना है। और जब दुकान बंद करने का टाइम आता था तो राहुल अपने दुकान पर जाकर हिसाब करता था। एक दिन की लगभग उसकी एवरेज कमाई 1500 रुपए हो जाता था और संडे वाले दिन तो 3000 रुपए तक का धंधा दोनों लड़के कर लेते थे, और इस तरह से राहुल महीने का 40 से 50,000 रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेता था। तो ये राहुल का छोटा सा आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया, जिससे कि आप भी अपने गांव में रहकर कुछ इस तरह से पैसे इन्वेस्ट करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है जिसे गरीब और अमीर बिना कटवाए नहीं रह सकते। तो आप चाहें तो इस तरह से भी अपना दुकान खोलकर गांव में रहते हुए बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। नंबर 7, टोबैको सप्लायर। दोस्तों, तंबाकू यानी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी बंद नहीं हो सकती। इंडिया में तो छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कुछ न कुछ चबाते या फूंकते रहते हैं, और आप खुद जानते हैं कि कितना ज्यादा डिमांड इन चीजों का है। तो आप या तो अपने गांव मोहल्ले में एक छोटा सा गुटखा शॉप खोल सकते हैं या फिर आप सप्लायर बनकर इन चीजों को बेच सकते हैं, और इन दोनों ही तरीकों से आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहते हुए कमा सकते हैं। अगर आप इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लाइसेंस के बारे में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 6, कोचिंग सेंटर। दोस्तों, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और सुविधा दिलवाने में जी जान लगा देता है, और इसलिए आपने देखा होगा शहरों में बहुत से कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं और बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गांव में कोचिंग सेंटर न होने के कारण शहर में ही रूम लेकर रहने लगते हैं। लेकिन वही अगर हम गांव में कोचिंग सेंटर खोल दें जिसमें हर एक चीज सिखाया जाए, चाहे खेलकूद हो, शिक्षा के बारे में हो, कंप्यूटर क्लास हो, तो सोचिए आप कितना बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो खुद पढ़ा सकते हैं या फिर गांव में बहुत से पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उन्हें भी आप सैलरी पर रख सकते हैं। अगर आपके पास एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है तो आप इस तरह का कोचिंग सेंटर अपने गांव मोहल्ले में खोल सकते हैं और आने वाले समय में आप बढ़िया पैसा अपने गांव में रहकर कमा सकते हैं। नंबर 5, मोबाइल रिपेयर सेंटर। दोस्तों, न्यूज 18 रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल चलाने वाले लोगों की संख्या 116 करोड़ से ज्यादा की है,
और इसलिए हर दिन आपको मोबाइल रिपेयर सेंटर की दुकान पर ग्राहक देखने को मिलते हैं। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है कि अगर उसमें कुछ भी खराबी आ जाए तो लोगों की नींद और चैन मानो उड़ जाती है। इसलिए अगर आप किसी अच्छे जगह से मोबाइल रिपेयर कोर्स कर लेते हैं या फिर आप यूट्यूब से सीख लेते हैं तो आप अपने मोहल्लों में रिचार्ज करना, मोबाइल बनाना, पैसे चेक करना जैसी सुविधा देकर उनसे बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। क्योंकि छोटी मोटी परेशानी के लिए लोग सर्विस सेंटर नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट मोबाइल सेंटर पर जाते हैं, अपनी मोबाइल को ठीक कराकर चले आते हैं। तो इस तरह से भी गांव में रहते हुए बढ़िया पैसा आप कमा सकते हैं। नंबर 4, सब्जी की दुकान। दोस्तों, सब्जी की दुकान एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 500 रुपए लगाकर सब्जी की दुकान खोल सकते हैं और प्रतिदिन 1000 रुपए तक कमा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है लोकेशन, जगह। क्योंकि अगर आप मार्केट में सब्जी बेचते हैं तो आप उतना पैसे नहीं कमा पाएंगे जितना आप गांव में या फिर मार्केट से थोड़ा हट कर बेचेंगे तो कमा लेंगे। क्योंकि आज के जमाने में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और साथ ही कस्टमर को लॉयल बनाना सीखना होगा। अगर आपको नहीं आता तो इस टॉपिक पर फुल वीडियो पहले से अपलोड है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर 3, मिनरल वाटर बॉटल बिजनेस। दोस्तों, इस छोटी सी मशीन से आप गांव के बाजारों में पानी के बॉटल को बेच सकते हैं, जूस बॉटल पैक करके बेच सकते हैं और ये मशीन मात्र 15,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। और अगर आपका ये धंधा चल गया तब तो 40 से 50,000 रुपए कमाना आपके लिए बहुत ही आम बात हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के बिजनेस में टेस्ट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और अगर आप केवल मिनरल वाटर बेच रहे हैं तब तो आपको टेस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब गर्मी का समय है तो माहौल के हिसाब से जूस भी पैक करके आप बेच सकते हैं। क्योंकि जूस को तैयार करने की जो लागत है वो कम होता है और इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है। अब इस मशीन को चलाया कैसे जाता है ये सीखना है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नंबर 2, वेंडिंग मशीन। दोस्तों, वेंडिंग मशीन एक एटीएम मशीन की तरह होता है। जैसे एटीएम मशीन में हम कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे निकालते हैं, वहीं वेंडिंग मशीन में हम कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ भी खाने पीने वाला सामान निकालते हैं। और इस तरह की वेंडिंग मशीन इंडिया में तो अभी बहुत कम जगह पर है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर 500 से अधिक भारतीय शहरों में 65 लाख से अधिक संभावित स्थान है जहाँ हर एक जगह वेंडिंग मशीन लगाया जा सकता है। सोचिए कितना ज्यादा डिमांड है वेंडिंग मशीन का, लेकिन फिर भी इंडिया में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस तरह की मशीन आप अपने गांव, बाजार या मोहल्ले में लगाते हैं तो बढ़िया पैसा इस मशीन से कमा सकते हैं। वैसे इस मशीन की प्राइस जो है वो 7,500 रुपए है। अगर आप इस मशीन खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 1, ई रिक्शा। दोस्तों, गांव में ज्यादातर आदमी लोग अपने घर के परिवारों को छोड़कर शहर कमाने के लिए निकल जाते हैं और घर का सारा काम धंधा औरतों को ही देखना पड़ता है। ऐसे में उन्हें जब भी बाजार जाना पड़ता है सामान लाने के लिए तो पैदल ही निकल जाती हैं। लेकिन वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को खरीद लेते हैं तो आप अपने गांव में एक समय फिक्स करके ई रिक्शा को चलाते हैं तो बढ़िया पैसा आप अपने गांव में रहते हुए कमा सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा को चार्ज करना होगा जिससे कि ये 70 से 80 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाएगी। ये ई रिक्शा आपको 45,500 रुपए मिल जाएगा और भी इसमें बहुत सी क्वालिटी है तो आपका जिस तरह का बजट हो उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं और इस तरह से गांव में रहकर बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके हिसाब से कोई और बेटर बिजनेस आइडिया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।